महिलाओं ने बुधवार की देर रात थाना का घेराव किया, जहां स्थानीय लोगों का आरोप है कि मंगलवार को चार व्यक्तियों द्वारा मनाईटार के एक स्थानीय युवक को जबरन अगवा करने का प्रयास किया गया था। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करने की बात कही थी, परंतु स्थानीय लोगों का आरोप है कि बुधवार को पुलिस ने सुनियोजित साजिश के तहत मनाईटार के नागरिकों पर प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें मुकदमा में फंसा दिया है। इसी बात को लेकर मनाईटार के लोग भारी संख्या में धनसार थाना पहुंचे और पुलिस के खिलाफ विरोध जताया। गुरुवार को मनाईटार के स्थानियों ने धनबाद एसएसपी कार्यालय पहुंच गए और पुलिस के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया और एसएसपी संजीव कुमार को लिखित शिकायत किया कि पुलिस उल्टा मनाईटार के लोगों पर एफआईआर दर्ज कर रही है, जो कि सरासर गलत है। इस पर धनबाद एसएसपी जांच करे। इधर इस पूरे मामले को लेकर झरिया विधायक नीरज पूर्णिमा सिंह से गुरुवार को स्थानीय लोगों ने विधायक से मुलाकात कर पुलिस की कारगुजारियों से उन्हें अवगत कराया, जिसके उपरांत विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने जिले के एसएसपी संजीव कुमार से फोन पर बात कर मामले को जल्द से जल्द निपटाने को कहा, जिसके बाद एसएसपी संजीव कुमार से मनाईटार के लोग मिले। इस मामले को लेकर संजीव कुमार ने जांच की बात कही है। स्थानीय लोग अपनी समस्या को लेकर क्या कुछ मामला था मैम? ये घटना दो दिन पहले की है, जो मनाईटार में कुछ मारपीट हुआ था और तथा कथित कहा जा रहा है कि पुलिस के बीच में और सामान्य लोगों के बीच में मारपीट हुई थी और कुछ कन्फ्यूजन हुआ था कि किसी को पुलिस को उठाना था और उन्होंने गलती से किसी और को उठा लिया था और एक कन्फ्यूजन के चक्कर में जो है वहाँ पे एक ऐसा माहौल बन गया था, उसी को लेकर लोग जो है अपनी शिकायत को लेकर आए थे। तो उस पे मैंने जो है यहाँ के एसएसपी महोदय से बात की है कि ये जो प्रकरण चल रहा है इसको आप जल्दी से सुलझाइए, क्योंकि मामला बहुत गंभीर मामला नहीं है। एक कन्फ्यूजन होने की वजह से जो है इस तरीके का माहौल जो है वहाँ पर क्रिएट हो गया और पीसफुली सभी लोग रह रहे थे, तो उन्होंने बुलाया है इन लोगों को और मुझे उम्मीद है कि जल्दी इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। हम लोग आज एसएसपी साहब से मिलने आए हैं। हमारे दो दिन पहले घटना हुई थी, मेरे भाई को पीटी अज्ञात आदमी ने, चार आदमी आए थे पीट दिए। अब पीटने क्रम में मेरे भाई को उठा के ले जा रहे थे और पिस्टल से सटा के ले जा रहे थे कि बोला कि तुमको लेके चलना होगा, तुम चोर हैं। और हम लोग क्यों, हम मैं भाई बोली कि चोर कैसे है, ये चोरी तो नहीं करता है। बोले नहीं चोर है। बोले कौन है आप? तो बोले ना कुछ नहीं बताते हुए, बोले हम आपको बताना जरूरी समझ नहीं समझते, हम आपको पूछने वाले हक नहीं है, हम उनको लेके जाएंगे बोकारो ले जाएंगे। हम बोकारो क्यों ले जाएगा? हम तब बोला कि बोकारो पुलिस है। बोले बोकारो पुलिस, आपका आइडेंटी प्रूफ दिखाइए कि आप बोकारो पुलिस है। तो वो नहीं दिखाया। बोले आपको हम क्यों दिखाएंगे आपको, हम आप वर्दी में थे या सिविल में? नहीं, सिविल में थे। और वो लग भी रहते पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले रह गए तो ड्रेस वर्दी में आएंगे ना। किसी पकड़ने के लिए पहले पूछिएगा कि कौन आदमी कौन है, आप किसको पकड़ने आए बताइएगा ना, उसको बिना बताए हुए आप किसको पकड़ लीजिएगा। और बताया भी नहीं कि आप तब उसके तब फोटो दिखाएं कि ये आदमी पकड़ने आए, बहुत बोलने के बाद तब बोले कि आप दिखाइए फोटो। अब फोटो दिखाया तो बोले कि ये तो आदमी नहीं है। हम लोग बोले ये आदमी नहीं है, तब उनको लगा हाँ ये तो आदमी नहीं है, हम गलत आदमी को आरोपी पकड़ रहे हैं, जिसका उनको लगा कि हमसे हुज्जत हो जाएगा, ग्रामीण हम पे हुज्जत लोग लग जाएंगे, इसलिए भागने क्रम में भाग गए। तीनों आदमी भाग गए, जिसमें एक आदमी पकड़ा गया, एक आदमी पकड़ाए हुए हाथापाई होने लगे, उसमें गिर गए उनको चोटें आई, जिस कारण से हम लोग कंप्लेन कर दिए कि ये लोग मार दिए उनको और मारने क्रम में बहुत पीटे हैं। और हम लोग का केस पहले लिए थे, लेकिन हम लोग कैसे कोई सुनवाई नहीं हुआ, लेकिन उल्टा हम लोग का केस उल्टा वो कर दिए कि ये लोग आरोपी को पकड़ लिए हैं और पकड़ के छुड़वा दिए हैं और छोड़ने के क्रम में ये लोग हम लोग हाथापाई किए हैं। ये नियम है कि कहीं भी बाहर का कोई नहीं दी गई थी, क्योंकि हमारा स्थानीय थाना को कोई सूचना भी नहीं दी थी इसका, और इसका साक्ष्य आपके पास हम पेपर के माध्यम से वहाँ बोली थाना प्रभारी बोली है कि हम लोग को सूचना भी नहीं मिली है और आप आए हैं तो उनको आरोपी को बोलने के लिए सूचना दी जाती है और आप बिना शादी लिवास में चले गए गलत है और बिना बोले आप चले जाना अच्छा नहीं बात है। और किसी को आरोपी को बिना क्यों पीट दीजिएगा बिना बोले? एक बात और बताएंगे, पुलिस के साथ मारपीट नहीं की है, पहले मारपीट हो चुकी थी बिना पुलिस बताए हुए, तो हम लोग थाना को सूचित किए, धनसार थाना को सूचित किए, तब धनसार थाना आई, तब उनको तब हम लोग मालूम चला कि ये धनसार थाना से बुकार थाना से आए हुए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिल्ली चोर से है। हम लोग मंगलवार की रात को 10:30 बजे धनसार थाना में हम लोग पहले अपना अप्लीकेशन दे के आए थे कि चार आदमी मिलकर मेरे देवर को जो मारे हैं, तो वो लोग हमारे अप्लीकेशन को एक्सेप्ट ना करके जो बोकारो पुलिस थी उनके केस को एक्सेप्ट किया गया है। तो हम लोग तो केस करना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन वो लोग केस करके हम ही लोग को दोषी ठहरा दिए हैं कि हमारे देवर ने वो चोर जो भी आदमी मिश्रीलाल जो नाम है उनको भगाया गया है और ये लोग पुलिस के साथ हाथापाई किए हैं।
ये सारा झूठा केस है। झूठा केस क्यों किया गया? हम लोग आम नागरिक हैं, हम लोग ये सब नहीं चाहते हैं। हम लोग केस को सुलह कराया देते हैं। हम लोग जो भी मारपीट भी हुआ है वो अज्ञानतावश मारा गया है। जब आप लोग ड्रेस पहन के नहीं आइएगा, हम लोग को पता नहीं रहेगा, और हमारे घर के आदमी को आप लोग किडनैप करके ले जाइएगा, तो हम लोग चुप नहीं ना रहेंगे। हम लोग तो अपना सेल्फ डिफेंस रखेंगे ही। उसके दौरान आपको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसका दोषी कौन है? आप हम ही लोग पे केस कर दिए, हमारे केस का सुनवाई कौन करेगा? इसी मांग के लिए हम लोग आज यहाँ धनबाद थाना आए हैं। एक बात जानना चाहेंगे कि जिस समय जो चार लोग बिना वर्दी के आए थे और उन लोग कुछ नहीं बताए, अचानक से आके ही मेरे देवर को उठाए और पिटना चालू कर दिए। बहुत हल्ला हुज्जत करने के बाद वो लास्ट में बोले हम बोकारो पुलिस से आए हैं और ये चोर है, इसको हम पकड़ के ले जाएंगे। तब बोले कि किस अपराध पे आप इसको पकड़ रहे हैं? तब बोले कि देखिए ये